पिछले क्लास में सेक्शन 58 का हम लोग देखे थे मॉर्गेज किसको कहते हैं, उसमें 58 का ए में मॉर्गेज, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, मॉर्गेज मनी एंड मॉर्गेज डीड, इसको डिफाइन किया गया था। अब हम लोग उसी क्रम में आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ मॉर्गेज, काइंड्स ऑफ मॉर्गेज सेक्शन 58 में ही है, ठीक है ना, बी में, सी में, डी में देखिएगा उसका, काइंड्स ऑफ मॉर्गेज। सबसे पहला जो है आपका वो है सिंपल मॉर्गेज, सेक्शन 58 बी, सिंपल मॉर्गेज। आइए इसको हम लोग, मिल गया सिंपल मॉर्गेज। अब देखिए सिंपल मॉर्गेज क्या होता है, जैसे इसका मतलब समझ में आता है, सिंपल का मतलब भी होता है साधारण, सुनिएगा ध्यान से, वेयर विदाउट डिलीवरिंग पजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी द मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली टू पे द मॉर्गेज मनी। सबसे पहले क्या कह रहा है, इसमें क्या करना है आपको, मॉर्गेज समझते ही है, हम लोग लोन को सिक्योर करने के लिए मॉर्गेज करते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है विदाउट डिलीवरिंग पजेशन, यानी कि आपको अपने प्रॉपर्टी का पजेशन नहीं देना है एज ए मॉर्गेजर। आप अपने जिस भी जमीन को आप मॉर्गेज कर रहे हैं या जिस भी प्रॉपर्टी को आप मॉर्गेज कर रहे हैं वह देना नहीं है मॉर्गेजी को, ओके, विदाउट डिलीवरिंग पजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी द मॉर्गेजर बाइंड हिमसेल्फ। मॉर्गेजर क्या कहता है इसमें, मॉर्गेजर अपने को बाइंड करता है, क्या कि हम आपको जो आपसे लोन ले रहे हैं वह आपको हम वापस कर देंगे। मॉर्गेज मनी अपने ऊपर जो है पिकुनरी लायबिलिटी ले रहा है वो, कि हम आपको जो है क्या करेंगे, जो मॉर्गेज मनी जो आपसे ऋण लिए हैं, जो आपसे लोन लिए हैं, वह आपको हम क्या कर देंगे, पे कर देंगे, ओके, हाँ। तो ये बस ये ध्यान, जैसे सिंपल मॉर्गेज समझो, हम लोग क्या होता है गुड फेथ में घर वगैरह सब में भी अपने दोस्त वगैरह सबको भी सिंपल मॉर्गेज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक फ्रेंड आया मांगने के लिए कि भाई 5 लाख रुपया दो, ठीक है ना, और वह दोस्त क्या कहता है आपका, कहता है कि देखो भैया हम आपको 5 महीने में पैसा दे देंगे, और अगर नहीं देंगे पैसा, वहाँ भी शर्त लगा देता है कि ये जो प्रॉपर्टी अभी मेरे पास है ना, ये प्रॉपर्टी हम 5 महीने के बाद आपको दे देंगे, आप इसको बेच के अपना पैसा ऊपर कर लीजिएगा, समझ लो कि ये पैसा, ये प्रॉपर्टी जो हम मॉर्गेज कर रहे हैं आपके पास, लेकिन हम पैसा आपको दे देंगे, बहुत पुराना रिश्ता हमारा आपका है। तो उस तरह के सेंस में हम लोग सिंपल मॉर्गेज को इस्तेमाल करते हैं, ओके, वहाँ पे वह जो है मॉर्गेजर जो है वो प्रॉपर्टी आपको डिलीवर नहीं करता है मॉर्गेजी को, बल्कि वह बाइंड करता है अपने आप को कि हम आपको पैसा आपको दे देंगे, क्लियर। यानी कि मॉर्गेजर के पास ही रह जाता है, जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया गया है वह मॉर्गेजर के पास ही रहता है, मॉर्गेजी को डिलीवर नहीं किया जाता है, ओके, और वह पर्सनली अंडरटेक कर लेता है कि हम आपको क्या करेंगे, पे द मॉर्गेज मनी। तो दिक्कत इसमें, अच्छा पर इसको समझ लीजिए उसके बाद कर देते हैं, ठीक है, फिर खराब हो जाएगा। सिंपल मॉर्गेज समझ में आ गया, हाँ। तो अब मान लो, अब हम वो चीज समझाते हुए चलते हैं आपको कि सिंपल मॉर्गेज तो समझ में आ गया क्या होता है, मॉर्गेजर समझते हैं, मॉर्गेजर का मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टी देता है, दो पार्टी होता है, एक लोन लेता है एक लोन देता है। मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए, आप गए बैंक के पास और बैंक को बोले कि हमको 5 लाख रुपया चाहिए, तो बैंक कहेगा कि कुछ गिरवी रखो, कुछ सॉरी बंधक रखो कुछ, तो आप हो गए मॉर्गेजर, आप क्या हो गए मॉर्गेजर, क्योंकि आप बैंक से गए हैं लोन लेने के लिए, अब बदले में आप अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहे हैं, तो आप हो गए मॉर्गेजर, बैंक हो गया मॉर्गेजी, ओके, 58 में डिफाइन किया हुआ है, बैंक हो गया मॉर्गेजी, जितना रुपया आप लोन ले रहे हैं वो हो गया मॉर्गेज मनी, आपने 5 लाख रुपया लोन ले रहे हैं तो वो हो गया मॉर्गेज मनी। जिस इंस्ट्रूमेंट से, जो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल हो रहा है उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं मॉर्गेज डीड। हम लोग स्टैंप पेपर बनाते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, स्टैंप पेपर पे सेल डीड बनता है,
उसको बोलते हैं मॉर्गेज डीड। यही है आपका सेक्शन 58 के ए में डिफाइन किया हुआ। क्लियर? हाँ, तो अब जो सिंपल मॉर्गेज हुआ तो आप क्या किए, प्रॉपर्टी तो उसको दिए नहीं, आप तो लोन ले लिए लेकिन प्रॉपर्टी तो मॉर्गेज खाली बोल दिए, आप अंडरटेक कर दिए कि आपको यह प्रॉपर्टी अपना बेच लीजिएगा, तो मॉर्गेजी के पास क्या रिमेडी रहेगा? आप उसको पैसा अगर नहीं दीजिएगा तो मॉर्गेजी के पास क्या रिमेडी रहेगा, क्योंकि आप तो प्रॉपर्टी उसको दिए नहीं है, तो उसके पास यही रिमेडी रहेगा, ही कैन गेट द प्रॉपर्टी सोल्ड थ्रू कोर्ट इन केस ऑफ डिफॉल्ट। वो कोर्ट चला जाएगा और कोर्ट के माध्यम से जिस प्रॉपर्टी के बारे में आप बात किए हैं, क्योंकि वो लिखा रहता है, इंस्ट्रूमेंट रहता है, वो आप जिस प्रॉपर्टी के बारे में बात किए हैं कि हम मॉर्गेज कर रहे हैं आपके पास, उस प्रॉपर्टी को बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेगा। ओके? हाँ, और इसका जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो 12 ईयर होता है। जब अमाउंट ड्यू हो जाता है, जैसे कि आपने कहा कि हम 5 महीने में आपको पैसा दे देंगे, ओके, तो जब 5th मंथ लास्ट हो जाएगा तो वहां से पैसा ड्यू हो जाएगा, यानी वहां आपको पैसा जो है लौटा देना है उसको, लेकिन आप पैसा नहीं लौटाए हैं, तो वहां से लेकर 12 साल तक यह जो है लिमिटेशन पीरियड रहता है। 12 साल के अंदर कभी वो आपके ऊपर केस सू कर सकता है। ठीक है, द सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन 12 ईयर्स फ्रॉम द डेट व्हेन द अमाउंट फेल्स ड्यू। ठीक है ना, इस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन करवा लिया करवाना पड़ता है, क्योंकि सिंपल मॉर्गेज होता है, आप जो मॉर्गेज डीड बनाए हैं ना, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो कहता है कि इरेस्पेक्टिव होता है। ठीक है, लेकिन जनरली प्रैक्टिकल में हम लोग सिखाते हैं वगैरह सब कि डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए, क्योंकि अब लॉ में गुड फेथ नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई आदमी कभी भी मुकर सकता है नहीं। हाँ, बट यहाँ रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी इरेस्पेक्टिव ऑफ मॉर्गेज अमाउंट, तो यहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, कंपलसरी है। चलिए, ओके, सेकंड आ जाइए, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, सेक्शन 58C मिल गया, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। अब इसमें देखिए, जैसे नाम से ही पता चल जाएगा क्या कहना चाह रहा है वो, कंडीशनल सेल यानी कि शर्त के हिसाब से सेल हो रहा है, कंडीशन मतलब ये होता है शर्त। ओके, हाँ, अब ध्यान से समझिएगा, इसमें हम सेक्शन पढ़ दे रहे हैं, आपके बैरेक में होगा, वेयर द मॉर्गेजर ऑस्टेंसिबली सेल्स द मॉर्गेज प्रॉपर्टी ऑन कंडीशन दैट ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी ऑन ए सर्टेन डेट द सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट और On condition that on such payment being made, the sale shall become void. Or on condition that on such payment being made, the buyer shall transfer the property to the seller. अब समझिएगा बात को, एकदम आसान लहजे में समझा देते हैं। हम आपके पास आए और आपको बोले कि हमको 5 लाख लोन चाहिए, तो हमको कुछ मॉर्गेज करना पड़ेगा। हम क्या किए, आपको एक प्रॉपर्टी जो है ऑस्टेंसेबल सेल कर दिए, यानी कि अब ऐसे समझो, इजी लैंग्वेज समझा रहे हैं, समझिएगा इसको, हम आपको ये कह रहे हैं कि आपसे जो हम 5 लाख रुपया ले रहे हैं, हमको 6 मंथ के लिए चाहिए, 6 महीने के लिए चाहिए 5 लाख रुपया, हम 6 महीने के बाद आपको पैसा लौटा देंगे। बात ये हो रही है, अभी हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी आपको ऑस्टेंसेबल सेल कर रहे हैं, यानी ऐसे समझिए कि आपके पास हम बेच रहे हैं, समझे सफक? हाँ, ये प्रॉपर्टी हम पांच लाख रुपया उधार ले रहे हैं, उसके बदले में बेच रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर हम 5 महीने में जो डेट फिक्स किए, किस डेट को पेमेंट कर देंगे, अगर उस डेट को पेमेंट हम नहीं किए, तो अभी जो हम ऑस्टेंसेबल सेल कर रहे हैं वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। एब्सोल्यूट हो जाएगा मतलब इससे ये सेल जो है आपको समझिए हो गया, ये बिक गया मेरा, समझे, वो प्रॉपर्टी आपकी हो गई। क्लियर? आज ऑस्टेंसेबल सेल कर रहे हैं, उस डेट में अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो ये सेल एब्सोल्यूट हो जाएगा, बिक गया मान लीजिए, लेकिन कंडीशन लगा हुआ है कि अगर हम पेमेंट कर देते हैं
तो ये जो हम अभी ऑस्टेंसिबल सेल कर रहे हैं ये वॉयड हो जाएगा, यानी आप जो है फिर वापस हमको कर दीजिएगा प्रॉपर्टी मेरी, समझे। ये कंडीशनल सेल है, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, कि अगर नहीं दे पाए तो आज ही हम बेच रहे हैं, ऑस्टेंसिबल कर रहे हैं, बेच रहे हैं आपको, लेकिन यह एब्सोल्यूट कब होगा, उस डेट को जिस डेट में पैसा ड्यू होगा। हम आपको कह रहे हैं कि हम आपको 31 दिसंबर को आपको पेमेंट कर देंगे, 31 दिसंबर तक पेमेंट कर देंगे, नहीं तो ये सामान बिका हुआ मेरा, ठीक है। अगर 31 दिसंबर को पेमेंट नहीं किए तो 1 जनवरी को क्या हो जाएगा, वह सेल एब्सोल्यूट हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा प्रॉपर्टी, ओके। लेकिन अगर 31 दिसंबर को हम पेमेंट कर दिए तो आप हमको प्रॉपर्टी वापस कर देंगे, ओके। तब अभी जो बेचे हैं वो वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्लियर, ओके, ठीक। इसमें कोई दिक्कत, इसमें तो कहीं कुछ नहीं है। ये हो गया आपका मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। नेक्स्ट आ जाइए यूसुफ्रेक्चरी मॉर्गेज, यूसुफ्रेक्चरी मॉर्गेज, ठीक है। देखिए कितना आसान चीज है, अब इसको पढ़ देते हैं फिर इसको समझा देते हैं। वेयर द मॉर्गेजर डिलीवर पजेशन और एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन बाइंड हिमसेल्फ टू डिलीवर पजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी एंड ऑथराइज हिम टू रिटेन सच पजेशन अंटिल पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी एंड टू रिसीव द रेंट एंड प्रॉफिट्स एक्वायरिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड एनी पार्ट ऑफ सच रेंट्स एंड प्रॉफिट्स एंड टू अप्रोप्रिएट द सेम इन लियो ऑफ इंटरेस्ट। अब समझिएगा, बड़ा आसान चीज है यूसुफ्रेक्चरी मॉर्गेज, समझिएगा, बोले ना थोड़ा दिमाग लगाइए, मतलब क्या कहना चाह रहा समझ लीजिएगा तो आसान लगने लगेगा। अब क्या हुआ, हम आपके पास आए और आपको बोले कि हमको 5 लाख लोन चाहिए, ठीक, बदले में हम मॉर्गेज कर रहे हैं। मेरे पास ये बिल्डिंग है, एक घर है या जमीन है, कुछ भी है, अब समझिएगा यूसुफ्रेक्चरी मॉर्गेज, ये हम आपको दे रहे हैं, ओके, ये बिल्डिंग हम आपके पास मॉर्गेज कर रहे हैं और 5 लाख रुपये आपसे ले रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, उसमें शर्त नहीं, उसमें बात यह है कि जब तक हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे यह प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी, आप इसको रिटेन किए हुए रहिएगा, रोके रहिएगा, और इस प्रॉपर्टी से जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी रेंट आएगा, वो आप ही रखिएगा, समझे बात को, हाँ। अब इसका एक मतलब एक सिचुएशन समझा देते, समझना आसान हो जाएगा ये, कि मान लीजिए हमको बिजनेस करना है, तो हमको बिजनेस करना चाहते हैं, और इसमें तो कोई जरूरी नहीं है कि मेरा बिजनेस 3 महीना में चलेगा, कि 5 महीना में चलेगा, कि 6 महीना में चलेगा, कि साल भर, 2 साल भी लग सकता है, बात समझ रहे हैं, हाँ। तो अब हम क्या करेंगे, आपको अगर ये बात कर देंगे कि 6 महीना में पैसा दे देंगे, तो फिर 6 महीने के बाद तो आप हमको मेरे ऊपर फोर्स डालिएगा कि पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ, डालिएगा ना फोर्स, तो हम क्या करेंगे, आपको इसी फ्लेक्सिबल मॉर्गेज कर देंगे, मतलब करवा लेंगे आपसे, क्या, तो भैया 5 लाख रुपया दो, जब तक आपको पैसा नहीं लौटाएंगे, आपको यह मकान दे रहे हैं, इस मकान से 20,000 रुपया रेंट आता है, ये पैसा तुम ही खाना रेंट, तुम ही उठाना रेंट, तो आप क्या सोचिएगा, अरे चलो ठीक है 5 लाख रुपया लोन लिया, वो कभी ना कभी दे ही देगा, अपना आदमी, बगल का आदमी है, जान पहचान का, भागेगा नहीं, और आपको 20,000 रुपया का हर महीना फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, हर महीना रेंट तो आप 20,000 रुपया ले रहे हैं, तो वहां पर यूसुफ्रेक्चरी मॉर्गेज काम आ जाता है, और हमको भी टेंशन नहीं रहता है कि हमको 6 महीना में पैसा लौटाना है कि साल भर में पैसा लौटाना है, समझे, आप भी खुश हैं कि आपको हर महीना 20,000 आ रहा है, हम भी खुश हैं कि टेंशन नहीं है कि हमको ये पैसा 6 महीना में लौटाना है, इस टेंशन में हम नहीं मरे जा रहे हैं, तो यहां पे हो गया यूसुफ्रेक्चरी मॉर्गेज, हाँ। नहीं 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 नहीं, वो तो इंटरेस्ट के तौर पर होता है, उसमें क्यों कटेगा, हम जो मॉर्गेज किसी से लोन लेते हैं तो उसको साथ में इंटरेस्ट भी देते हैं ना, आपसे बैंक से लोन लेते बैंक को इंटरेस्ट सहित लौटाते हैं ना, फिर वो डिपेंड करता है ना कितना परसेंट पर लोन दिया गया है, आप अपना आदमी है कहिएगा 5% पर, लेकिन 100 रुपया देंगे तो हमको 105 रुपया लौटाना पड़ेगा, आपसे हम 100 रुपया लेंगे तो 105 रुपया लौटाना पड़ेगा आपको, ओके, नहीं तो क्यों देगा फ्री में, आप जो चीज मॉर्गेज किए हैं वो तो वापस ले रहे हैं आप ना, तो फ्री में कहा आपको 100 रुपया देगा 5 महीना के लिए, तो वो 5%
इंटरेस्ट की वजह से ऐसा होता है, तो क्यों देगा कोई किसी को पैसा? तो यहाँ पे ये इसको ये उसको इंटरेस्ट के तौर पे अपना खाएगा वो अपना 20,000 रुपये 10,000 रुपये जो भी आ रहा है महीना, और इसको भी टेंशन नहीं है हमको लौटाना है पैसा। ओके हाँ, तो हो गया आपका इसे फ्लेक्सी मॉर्गेज। अब नेक्स्ट आ जाइए इंग्लिश मॉर्गेज, सेक्शन 58E इंग्लिश मॉर्गेज मिला। हाँ, अब इंग्लिश मॉर्गेज और आपका सिंपल मॉर्गेज थोड़ा थोड़ा आपको सेम लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, ठीक है? सुनिएगा क्या डिफरेंस है। वेयर द मॉर्गेजर बाइंड हिमसेल्फ टू रिपे द मॉर्गेज मनी, वहां भी ये बात था, वो अपने आपको पेकुनरी बाइंडिंग करता है कि हम आपको, मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, हमको पैसा चुकाएंगे ही चुकाएंगे ऑन सर्टेन डेट एंड ट्रांसफर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली टू द मॉर्गेजी। वहां पे क्या था सिंपल मॉर्गेज में, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करता है, केवल अपने आप को अंडरटेक करवाता है, अंडरटेक करता है कि हम आपको पेमेंट करेंगे, पैसा चुकाएंगे। लेकिन इंग्लिश मॉर्गेज में क्या है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है और खुद को बाइंडिंग भी कर लेता है कि हम आपको पैसा चुकाएंगे ही चुकाएंगे, जब चुका लेंगे पैसा इस सर्टेन डेट को, ठीक है ना, इस डेट को चुका लेंगे आपसे अपना जमीन हम वापस प्रॉपर्टी वापस ले लेंगे। सिंपल मॉर्गेज में ट्रांसफर नहीं करता था प्रॉपर्टी, बट इंग्लिश मॉर्गेज में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और बाइंडिंग भी करता है, और सिंपल मॉर्गेज सिर्फ बाइंडिंग करता था अपने आप को। ओके, इसको हम लोग इंग्लिश मॉर्गेज बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाइए मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल, टाइटल डीड्स, सेक्शन 58F, डीड है टाइटल डीड है, डीड्स, हाँ डीड है वो, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, इसी को हम लोग वहां पे लिख लीजिएगा इक्विटेबल मॉर्गेज बोलते हैं, इक्विटेबल मॉर्गेज, ठीक है, TITLE डीड इक्विटेबल का EQUITABLE इक्विटेबल मॉर्गेज 58F। हाँ, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये किस किस फिलहाल खास खास टाउन में इस्तेमाल इसको किया जाता है। वेयर ए पर्सन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टाउन, नेमली द टाउन ऑफ कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, जिसको मुंबई बोलते हैं, इन एनी अदर टाउन विच द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ डिलीवर्स टू ए क्रेडिटर और इज एजेंट डॉक्यूमेंट्री ऑफ टाइटल टू इन्वॉल्व प्रॉपर्टी विच इंटेंट टू क्रिएट ए सिक्योरिटी देयर ऑन द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड मॉर्गेज बाय डिपोजिट टाइटल डीड्स। यानी कि किसी खास खास टाउन में ये इस्तेमाल हो रहा है, या अगर स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नोटिफाई किया हुआ है कि हमारे स्टेट में इस तरह का, अब आज म्यूट कर लीजिएगा, हमारे स्टेट में इस तरह का जो है टाइटल डीड्स जो है एज ए सिक्योरिटी इस्तेमाल किया जा सकता है मॉर्गेज में, तो वहां पे होगा। इसमें होता क्या है, टाइटल डीड्स किसको बोलते हैं, टाइटल जानते ही हैं, जमीन का जो डॉक्यूमेंट होता है, मालिकाना हक वाला जो डॉक्यूमेंट होता है, जो जमीन मेरा है उस पर मेरा टाइटल रहेगा ना उस पर, तो वहां पर क्या होता है, टाइटल डीड्स डिपोजिट कर लिया जाता है, जमा कर लिया जाता है। एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे समझिएगा कि जैसे बैंक भी ये काम करती है, एक बैंक के पास गए लोन लेने के लिए, तो बैंक कहेगा ठीक है लोन दे रहे हैं, मॉर्गेज कीजिए अपना प्रॉपर्टी, मेरा खेती का प्रॉपर्टी है, वो बैंक लेके क्या करेगा, बैंक को तो खेती करना नहीं है, नहीं करना है उसको, तो सिर्फ अपना लोन सिक्योर करना है ना, तो क्या करेगा, कहेगा आपने जमीन का सारा कागज पत्र हमको दे दीजिए, जमीन आप ही रखिए, खेती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइटल डीड्स जमा कर दीजिए मेरे पास, ताकि आप जमीन को कहीं बेच ना पाए, समझे बात को। हाँ, तो इसी को बोलते हैं डिपॉजिट, मतलब जमा होता है, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, आपकी जमीन का जो भी मालिकाना हक वाला डॉक्यूमेंट होगा वह आप उसके पास डिपॉजिट कर दीजिए मॉर्गेजी के पास, ताकि आप जमीन का कुछ भी, आप जमीन को क्या कर सकें, किसी दूसरे को ना दे सकें, जब आप पैसा चुकाइएगा वो डॉक्यूमेंट आपको दे देगा, तो अपने जमीन को आप बेचिए उचिए जो भी करना है कीजिए, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, सेक्शन 58F। अब नेक्स्ट एंड लास्ट एनोमलस मॉर्गेज, सेक्शन 58G मिला। हाँ, एनोमलस 58G में है ना, देखिए जरा, हाँ जी में। हाँ, अब ये क्या कह रहा है, अब ध्यान समझिएगा इस बात को,
ये किसी तरह का कोई मॉर्गेज होता नहीं है। अब मान लीजिए ये तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनता है, इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें ना। अब मान लीजिए कि आप कोई ऐसा उसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसमें दो तरह का मॉर्गेज इस्तेमाल हो गया है। मान लीजिए कि आप इंग्लिश मॉर्गेज और यूसी फैक्ट्री मॉर्गेज साथ साथ कर रहे हैं, बात समझे, आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसे समझिएगा कि हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपसे आए लोन लेने के लिए 5 लाख दीजिए, और क्या कर रहे हैं उसमें, उसमें हम आपको जमीन का कागज भी दे दिए, ठीक है ना, और हम जमीन भी आपको दे दिए मान लीजिए, तो दो तरह का मॉर्गेज इस्तेमाल हो गया ना इसमें। हाँ, तो वो हो गया आपको एनोमोलस मॉर्गेज, जो कि ना सिंपल मॉर्गेज हो, ना मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल हो, ना यूसी फैक्ट्री मॉर्गेज हो, ना इंग्लिश मॉर्गेज हो, ना मॉर्गेज बाय डिपॉजिट टाइटल डीड्स हो, इसमें से कुछ भी नहीं हो, वो हो गया आपका एनोमोलस मॉर्गेज। क्लियर, देखिए डिफिनेशन लिखा भी होगा, ठीक है ना, ए मॉर्गेज विच इज नॉट ए सिंपल मॉर्गेज, ए मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, एन यूसी फैक्ट्री मॉर्गेज, एन इंग्लिश मॉर्गेज और मॉर्गेज बाय डिपॉजिट टाइटल डीड्स विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन इज कॉल्ड एनोमोलस मॉर्गेज। इसमें से वो कुछ भी ना हो, ऊपर के 5 में से कुछ भी ना हो, हम एक अलग तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, ठीक है ना, अलग बात ही लिख दिए कि आपको बंधक तो दिए, मॉर्गेज तो किए, लेकिन उसमें अलग शर्त लगा दिए कुछ इस तरह का, तो वो हो गया आपका एनोमोलस मॉर्गेज। क्लियर।